हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम हिस्ट्री बुक क्लास सिक्स। क्लास सिक्स का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे हिस्ट्री बुक का, और इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे पास्ट के बारे में कि पास्ट के जो इवेंट्स और जो घटनाएं होती हैं किस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हो, कौन सी चीजें हैं जो कि आपको बताएंगी पास्ट के बारे में। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आपका पास्ट का टॉपिक कब, क्यों और कैसे। आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है रशीदा के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। रशीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, उसकी एक हेडलाइन पे, एक स्मॉल हेडलाइन के ऊपर नजर पड़ती है 100 साल पहले 100 ईयर एगो। अब किस तरीके से कोई घटना होती है उसके बारे में कैसे पता लगा है कि वो घटना कब और कैसे हुई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, पता लगाएंगे कैसे हुई थी। अगर कल की बात करें, अगर कल कोई घटना होती है तो उसको आप कहां से, रेडियो से सुन सकते हो, टेलीविजन पे देख सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू आप उसको पता लगा सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर की हो तो क्या करोगे कि ऐसे पर्सन से जो उसके बारे में याद हो, जिसे उससे आप पता कर सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए कि बहुत लंबी और बहुत साल पहले की बात हो तो उसको किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से उसे पता लगाओगे। What can we know about the past? कि हम past के बारे में कैसे जान सकते हैं। Past के बारे में जानने के लिए देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम पता लगा सकते हैं, लोगों के खाने की हैबिट से, उनके कपड़ों के, किस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, और जो किस तरीके के वो घरों में रहते थे। और हम पता लगा सकते हैं कि हंटर्स से, फार्मर से, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड द साइंटिस्ट, इन सभी के थ्रू जो है हम पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से रहते थे, वो किस तरीके की आर्ट करते थे। और हम फाइंड आउट कर सकते हैं गेम्स कि बच्चे किस तरीके के गेम खेलते थे, कैसी वो स्टोरी सुनते थे, और किस तरीके से वो गाने और सॉन्ग्स जो है वो सुनते थे। अब बात करते हैं वेयर डिड द पीपल लिव, कि जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, लोग जो है उस वक्त कहाँ रहते थे उसके बारे में पता करते हैं। आपकी जो है पीपल जो है लिव करते थे, रहते थे नदी के किनारे रहते थे। नॉर्मली आप देखोगे 1000 ईयर्स एगो की अगर बात करें तो जो लोग है, हर जो पर्सन है वो कहाँ पर रहना पसंद करता था, वाटर रिसोर्सेज के पास रहना पसंद करता था। उनमें से कुछ जो है बहुत पहले जो लोग रहते थे उन्होंने स्किल्ड थे किसमें, गैदरिंग में, गैदरिंग यानी चीजों का संग्रह करना। और उनको क्या कहा जाता था, जो फूड गैदर करते थे उनको कहा जाता था फूड गैदरर, फूड संग्रह करने वाले यानी भोजन संग्रहक। और उन्हें उनके जो है स्मृद पेड़ पौधे और फूड्स और इन सब चीजों की जो है वो कलेक्शन करते थे, या अपना जो फूड है प्रोड्यूस करते थे। और वे हंटेड पे भी डिपेंड रहते थे, यानी जो शिकार है वो शिकार के ऊपर भी निर्भर करते थे, एनिमल का शिकार भी करते थे। अब बात करते हैं कि आपके जो सुलेमान खेतर हिल्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में हैं, आपके मैप पे दिखाई गई है। मैंने यहाँ पर ये जो है मैप को जो है इधर मार्क भी किया हुआ है, आपका ये सुलेमान है और ये खेतर हिल्स है, ठीक है। So some of the areas where the women and the men first begin to grow crops such as wheat and the barley about 8000 years ago are located here। कहते कि सबसे पहले जो है 8000 साल पहले जो है औरतों ने और आदमियों ने यहाँ पर क्या किया था, वीट को ग्रो किया था, वीट की जो फसल है यहाँ पर ग्रो की थी, और उसके जो यहाँ पर मौजूद एरिया है। कुछ लोग जो है रेयरली क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। आपका पशुपालन में क्या क्या शामिल था, शिप, गॉट, और जो आपके दूध देने वाले पशु यू कैन से उनको वो पालते थे जो कि गांव में रहते थे। आपकी इसमें जो है मैप में जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट में जो है आपकी जो है सेंटर में आपकी गोरा खासी है, और आपकी सेंटर में जो है विंध्याचल पर्वत है। देयर आर सो ऑफ द अदर एरियाज वेयर, आपके कुछ दूसरे एरिया भी हैं जहां पर आपका जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, और
आपके कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर जो फर्स्ट टाइम जो है राइस को जो है ग्रो किया गया था, वो कौन सा एरिया था आपका? नॉर्थ का विंध्यास, विंध्यास में आपके, नॉर्थ के विंध्यास में आपका फर्स्ट टाइम जो है किसको ग्रो किया गया था? राइस ग्रो किया गया था, यानी आपके चावल उगाए गए थे। और जो आपका इंडस रिवर जो है, ट्रिब्यूट्स जो है यहां पर बहती है, इंडस रिवर भी बहती है, और कहते हैं कि ट्रिब्यूट्स का मतलब होता है बेटा ऐसी रिवर जो छोटी रिवर्स जो होती हैं, जो जाके बड़ी जो रिवर है लार्ज रिवर में उसमें मिल जाती है, उसको ट्रिब्यूट्स कहते हैं। अगर आपकी लगभग बात की जाए 4700 साल पहले की, तो उस दौरान क्या होता था कि आपके जो है बहुत सारे जो है नदी के किनारे से आपकी जो है सभ्यता बसी हुई थी, जो सिटीज जो है वो नदी के किनारे बसी हुई थी। उसके बाद आपका 2500 साल के बाद में क्या हुआ कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो कहां पर हुई? आपकी गंगा के और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उसके आसपास में जो है कोस्टल एरिया पर जो है आपकी डेवलपमेंट शुरू हुई। अगर पुराने समय की बात की जाए, तो पुराने समय में क्या था कि जो आपकी रिवर थी साउथ में, जो गंगा रिवर के नाम से जानी जाती थी, उसको मगध कहा जाता था। और आपके जो वहां पर थे पावरफुल जो थे शासक थे, आपके किंगडम जो थे, साम्राज्य जो थे, बहुत ज्यादा बड़े और जो शक्तिशाली थे, जैसा कि दूसरी जगहों पे हिस्सों में देश के था। लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह पर जो है यात्रा करने के लिए जाते थे। हिल्स, हाई माउंटेन जिसमें शामिल थे हिमालय, डेजर्ट, रिवर और जो सी है, जिसमें जो यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम, लेकिन पूरी तरीके से असंभव नहीं होता था। कहने का मतलब ये है कि लोग ऐसा नहीं है कि यात्रा नहीं करते थे, असंभव जरूर था लेकिन यात्रा करते थे, असंभव नहीं था कि यात्रा ना हो सके। और वुमेन्स, इसीलिए वुमेन्स और जो मैन थे वो अपनी लिविंगहुड के लिए यानी आजीविका के लिए, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, आपका सूखा या फिर आपकी बाढ़ उससे बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। कुछ आदमी जो थे वो मार्च करते थे आर्मी के रूप में और दूसरे हिस्सों को जो है ऑक्यूपाई कर लेते थे, उनके ऊपर अधिकार कर लेते थे जमीन पर। और इसके अलावा जो मर्चेंट है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे कारवा में, शिप पे, और अपना सामान जो है वैल्यूएबल गुड है, जो इम्पोर्टेंट सामान जो है उनका, मूल्यवान वस्तुओं को वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। अब रिलीजियस टीचर्स यानी आपके जो संत महात्मा लगा लीजिए, आपके जो रिलीजियस टीचर्स थे, जो संत थे, महात्मा थे, वो भी गांव से गांव और शहर से शहरों में जो है जाते थे अपने इंस्ट्रक्शन को देने के लिए, अपनी एडवाइस जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब बात की जाती है, कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ क्या करते थे एडवेंचर के लिए यानी अपने मनोरंजन के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, नई जगह पर जाते थे, उनको खोजते थे और वहां पर एंजॉय करने के लिए जाते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रिलीजियस पीपल है या फिर जो व्यापारी है वो ही जाते थे। उसके अलावा कहते हैं कि ये लोग जो एडवेंचर के लिए जाते थे वो अपने आइडिया लोगों के साथ जो है शेयर करते थे कि वो किस तरीके के आइडिया और किस तरीके के विचार रखते हैं, और अपनी जो आइडियाज हैं वो लोगों के बीच में शेयर करते थे, उनके साथ बांटते थे। फिर बात करते हैं व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, कहते हैं कि अब जो है, पहले की तो बात हो चुकी है कि पहले जो लोग हैं वो क्यों ट्रैवल करते थे, क्या रीजन था उनका ट्रैवल करने का, लेकिन अब बात करते हैं कि व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, कि अब जो लोग हैं वो ट्रैवल क्यों करते हैं। तो देखिए, अब जो लोग जो हैं ट्रैवल करने का, उनका भी एक अलग रीजन है। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो होता क्या था कि आपके जो कल्चर है वो समृद्ध होता था, और जो लोग हैं सालों से क्या शेयर करते रहे हैं, पत्थर को तराशना, म्यूजिक कंपोजिशन यानी संगीत, और जो है खाना पकाने की जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ विधि जो है बनाने की वो शेयर करते रहे हैं। नेम ऑफ द लैंड, नेम ऑफ द लैंड के बारे में बात करते हैं। अब आपके दो शब्द जो है आमतौर पर जो देश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आपके, क्या है? इंडिया और भारत। जो वर्ड इंडिया है वो कहां से आया है? आपका इंडस से आया है, जिसे सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। अब बात करते हैं ईरानीज और जो ग्रीक है,
वो आपके आए थे नॉर्थ वेस्ट में लगभग आपके 2500 साल पहले, और ये फैमिलियर थे किससे, इंडस के साथ फैमिलियर थे, और इसे क्या कहा जाता था, हिंदोस और इंडोस कहा जाता था। अब जो आपकी लैंड है ईस्ट में रिवर जो है उसको क्या कहा जाता था, इंडिया कहा जाता था। नेम भारत यानी भारत जो था उसके जो एक समूह जो आपका रहता था नॉर्थ वेस्ट में रहता था, जो कि आपका ऋग्वेद में मेंशन है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिसकी रचना आपकी संस्कृत में हुई है। बाद में इसका इस्तेमाल जो है आपका देश के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए अब ये बात आपकी जो बताई गई है इसमें ये बताया गया है कि आपका जो भारत और जो इंडिया है वो शब्द की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरीके से उसका ओरिजिनेट हुआ, और उसके अलावा जो है इनको किस किस नाम से जाना गया। साइड में आपका दिया गया है अ पेज फ्रॉम द लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर एगो, द पाम लीव्स वर कट इन टू द पेजेस एंड ट्राइड टूगेदर टू मेक बुक्स टू सी अ पेज बाग मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए आपका पहले क्या होता था कि बुक्स और जो है आपकी पेजेस होते नहीं थे, तो क्या किया जाता था, आपके जो पाम लीव्स होती थी उसके ऊपर जो है हाथ से जो है लिखा जाता था, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, जिसे आप हाथ से लिखते हो। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए देयर आर सेवरल वेज, आपके बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में पता लगाने के, उनमें से एक जो है रीडिंग बुक, जो कि पहले बहुत पुरानी जो बुक्स हैं उनको पढ़ना भी एक तरीका है जिससे आप पास्ट के बारे में पता लगा सकते हो, और ये क्या कहलाता है, मैन्युस्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि ये जो बुक्स होती हैं ये हाथ से लिखी जाती है, इसलिए इनको किसका नाम दिया गया है, मैन्युस्क्रिप्ट। आपका मैन्यू शब्द जो है आपका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ओके। और ये जो है यूजुअली किस पे लिखे जाते हैं, पाम ट्रीज, जो पाम ट्रीज होते हैं उसकी पत्तों पे लिखे जाते हैं। ये स्पेशली किससे बनाए जाते हैं, पेड़ों की छाल से, और जिसे ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका हिमालय में ग्रो होता है। बहुत सालों से जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आपकी इंसेक्ट्स के द्वारा खा ली जाती है, बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो इंसेक्ट खराब कर देते हैं या फिर और किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट मैनी सर्वाइव, और उनमें से बहुत सारी जो है सर्वाइव भी कर चुके हैं, यानी अभी भी मौजूद हैं वो आपके, और प्रिजर्व करके रखा गया है, उनको सुरक्षित रखा गया है, आपके टेम्पल्स में सुरक्षित करके रखा गया है, आपके जो है मठ हैं उनमें सुरक्षित करके रखा गया। ये बुक्स जो है डील करती हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग सब्जेक्ट लाइक जैसे कि आपकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, यानी आपकी जो धार्मिक आस्था से संबंधित हैं, या फिर आपके जो राजा महाराजा हैं उनके जीवन के बारे में, मेडिसिन के बारे में और साइंस के बारे में। इसके अलावा आपकी ये एपिक्स यानी महाग्रंथ, कथा वगैरह, आपकी पोएम्स और प्लेस इसमें शामिल हैं, और इनमें से बहुत सारी जो हैं संस्कृत में लिखी गई हैं और दूसरी भाषा जो है प्राकृत में लिखी गई हैं। प्राकृत जो भाषा है बेटा वो जो आपकी आम भाषा है, आम बोलचाल वाली भाषा है, ताकि जो लोग हैं वो इजीली उसको समझ सके, और तमिल में लिखी गई है। हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं बेटा, इंस्क्रिप्शंस में आपके शामिल होते हैं शिलालेख, शिलालेख को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, और ये जो है आपके हार्ड सरफेस पे लिखे हुए होते हैं, सच एज अ स्टोन और अ मेटल, जैसे कि स्टोन हो गया या मेटल हो गया उनके ऊपर इनको लिखा जाता है, यानी उनको खोद के उनके ऊपर इन चीजों को लिखा जाता है। और कुछ जो राजा महाराजा जो होते थे उनके जो ऑर्डर्स वगैरह होते थे, यानी जो आज्ञा देते थे, तो वो क्या करते थे ताकि सभी उसको लोग पढ़ सके और उसका पालन कर सके, इसलिए वो जो है शिलालेख वगैरह जो है उनका निर्माण करवाते थे, इंस्क्रिप्शंस जो है उनका निर्माण करवाते थे। और जो बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपके जहां पर वुमेन्स और मेन्स हैं
उन्होंने क्या किया था उसके रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करता है या कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसकी प्रशंसा के तौर पर भी ये जो है शिलालेख जो है खुदवाए जाते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो किंग है अक्सर जो है युद्ध में जीतते थे तो उनकी इस तरह की चीजें भी जो है इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है बताई जाती थी। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द रिटर्न ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट वुड हैव बी डिफिकल्टीज। कहते कि क्या आप बता सकते हैं कि जो ये इनका जो महत्व क्या है इन हार्ड सरफेस पे लिखने का और किस तरीके की डिफिकल्टीज आती है इनको लिखने में। तो देखिए आपका जो इंस्क्रिप्शन है इनका महत्व तो यही है कि आपका जो उनकी जो प्रशंसा है उसको जो है वो पत्थरों के ऊपर खुदवाते थे और कुछ डिफिकल्टीज ये है कि उनको निर्माण करने में थोड़ी परेशानी आती थी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी बनाई गई हैं, यूज की गई हैं पास्ट में, जिसको आप स्टडी करते हो, उनको क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी जो भी आपके पास्ट के बारे में आपकी जो थिंग्स हैं या फिर आपके जो क्लूज आपको मिलते हैं पास्ट में, लाइक आपके कोई भी रिटर्न या रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, उसको क्या है कौन पढ़ता है, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। आपकी जो है पास्ट की ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं और आपकी जैसे ये स्टडी करते हैं रिमेनिंग जो बिल्डिंग्स होती हैं या फिर स्टोन से बनी हुई या ब्रिक से बनी हुई पेंटिंग और जो आपके टेम्पल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में जो है ये स्टडी करते हैं। और इसके अलावा ये जो है आपके बहुत सारी और चीजें होती हैं लाइक टूल्स, वेपन्स, पोट, पैंस, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने होते हैं और क्वाइंस, इनकी जो है स्टडी करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में व्याख्या करते हैं। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, आपके ये जो किस चीज के बने होते हैं, या तो आपके बॉन्स के बने होते हैं या फिर स्टोन्स के या फिर बेक्ड क्ले और मेटल के बने होते हैं। आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं और अविनाशकारी होते हैं क्योंकि ये यूजुअली लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें, इसीलिए इनको स्ट्रांग और हार्ड बनाया जाता है। देखिए एक ओल्ड पॉट जो है आपका यहाँ दिखाया गया है और ये कॉइन दिखाई गई है। ये जो बर्तन है 4700 साल पुराना है और ये जो कॉइन है ये आपके लगभग जो है 2500 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। देखिए एक जो कॉइन है दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आपके बोन्स को भी ढूंढते थे, आपके एनिमल्स की, फिश की और बर्ड्स की। वो पता लगाने की कोशिश करते थे कि लोग जो है पास्ट में क्या खाते थे और जो है प्लांट्स जो है शायद ही कोई जो उनका हिस्सा जो है बचा होता था क्योंकि जो सीड्स हैं और ग्रेन्स हैं उनके कुछ जले हुए हिस्से ही पाए जाते हैं। इनका सरवाइव करना जो है बहुत मुश्किल होता है। और ये भी कहा जाता है कि क्या एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डू यू थिंक द क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। की क्या जो है आर्कियोलॉजिस्ट को जो कपड़े जो है कपड़े भी अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। आपके जो हिस्टोरियन होते हैं वो विद्वान होते हैं जो कि आपके पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी रिसोर्स के थ्रू। इन्हें ये रिसोर्स का नाम देते हैं, इनके लिए ये रिसोर्स का वर्ड यूज करते हैं क्योंकि इन्हें जो पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इनके थ्रू मिलती है। वंस रिसोर्स आर फाउंड, जो आपका एक रिसोर्स पाया जाता है लर्निंग के लिए पास्ट में, उसको वो एज अ क्लू यूज करते हैं और उसे यूज करके दोबारा से पास्ट को धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी जितनी भी पास्ट की जो चीजें होती हैं उनको जोड़कर पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनको पुनर्निर्माण करते हैं। इसलिए जो हिस्टोरियन होते हैं वो एक जासूस की तरह काम करते हैं जो कि अपने रिसोर्स को क्लू के रूप में, यानी आपके जो रिसोर्स होते हैं उनका क्लू के रूप में इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका वन पास्ट और मैनी। देखिए यहाँ पर डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट।
कहते कि आपने क्या इस बुक का जो टाइटल है आवर पास्ट जो है नोटिस किया, ये जो वर्ड है यहाँ पर क्या यूज किया गया, पास्ट यूज किया गया है, मीन्स प्लूरल फॉर्म, पास्ट की प्लूरल फॉर्म यूज की गई है, जो कि आपकी अटेंशन दिलाती है, आपका ध्यान करती है, करवाती है किस तरफ, कौन से टाइप्स की, कि इसमें जो है आपके सभी तरीके के सभी ग्रुप के लोगों के बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे आपके हेडर्स, फार्मर्स और दूसरे जो लाइक किंग और क्वीन, यानी डिफरेंट किंग और क्वीन के बारे में भी इसमें डिस्कस किया जाएगा, कि और जो आपके डिफरेंट मर्चेंट्स, लाइफ ऑफ डिफरेंट मर्चेंट्स, और वो किस तरीके से रहते हैं क्वीन किंग के, और आपके जो डिफरेंट आपके क्राफ्ट पर्सन हैं इस तरीके से उनके बारे में बताते हैं कि भाई किस तरीके से वो रहते थे, क्या उनका रहना सहना था। आपका आज भी ये सच है कि आपके जो लोग हैं अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग कस्टम को फॉलो करते हैं आपके इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, आपके अलग अलग देश के हिस्सों में। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पीपल अंडमान निकोबार में रहते हैं, वो जो फूड है वो अपना फूड फिश से, हंटिंग से, या फिर आपके फॉरेस्ट है उनसे प्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग जो है आपके सिटीज में रहते हैं, उनको जो है सप्लाई के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, सिटीज से जैसे आप क्या करते हो, दूसरी जगह से आपको सिटीज में सप्लाई किया जाता है फूड, उसके ऊपर आप डिपेंड करते हो। उसके अलावा डिफरेंस देखने को मिलता है, यही डिफरेंस आपका जो है पास्ट में आपको देखने को मिलता था, यही एग्जिस्ट करता था पास्ट में भी। इसके अलावा कहते हैं कि बहुत सारे जो है डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, और इसमें से आप देखोगे कि जो किंग और जो बैटल ऑफ द फोर्ट, बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्री, कहते कि हमें किंग के जो युद्ध और उनकी जो बैटल्स के बारे में पता था, वो किस वजह से पता है, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड हैं विक्ट्री के, उसकी वजह से हमें पता है कि उनके युद्धों के बारे में पता है, उनकी जीत के बारे में हमें पता है जो उन्होंने पास्ट में गेन की थी। जनरली जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके बारे में, जैसे हंटर, फिशिंग, फोक, और आपके जो गैदर्स, फार्मर्स हैं, हैंडर्स हैं, इनके रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। आमतौर पर जो आम लोग होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। आर्कियोलॉजी की मदद से भी फिर भी बहुत सारी जो चीजें जानने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो है बहुत सारी चीजें अननोन भी रह जाती हैं। देखिए, व्हाट डू द डेट्स मीन्स, कि डेट का मतलब क्या है। अगर आपसे कोई डेट के बारे में पूछता है तो आप शायद उस दिन की तारीख और महीना और ईयर यानी 2000 ऐसा कुछ बताएंगे। ये जो साल होता है काउंट किया जाता है, जनरली जो असाइन किया जाता है जीसस बर्थ से, जो कि क्रिश्चियनिटी जो है बताती है, 2000 या 2000 साल के बाद जब बर्थ हुआ था जीसस का। और जो डेट है, सभी जो तारीख है, वो जीसस बर्थ से काउंट की जाती है। बैकवर्ड यूजुअली आपका जो है बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, इसके साथ में ऐड कर दिया जाता है। और इस बुक पे जो है आपका जो है वर्ष की गणना किस आधार पर की जाती है वो बताया गया है, कि वर्ष की गणना जो होती है आपकी इस बुक में दिए गए स्टार्टिंग बिंदु के आधार पर ही हम दी हुई तिथियों का उल्लेख करेंगे। हम इसमें 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में लेंगे। लेटर विद डेट्स, इसमें आपका बीसी दिया गया है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि आपका एक लैटिन वर्ड है। सीई जो यूज किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ एडी, और आपका बीसी ई जो है इंस्टेड ऑफ बीसी। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अब आपका नीचे एक इंस्क्रिप्शन दी गई है, जो कि आपकी हार्ड सरफेस पे बनाई जाती है। इसमें बहुत सारे साल पहले जो है बहुत सारी इंस्क्रिप्शन बनाई जाती थी, उनमें से एक इंस्क्रिप्शन आपकी नीचे दी गई है। इसमें आपकी दोनों चीजें शामिल है, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज।
लैंग्वेज जो है यूज की जाती है आपकी इंस्क्रिप्शन के साथ साथ, और ये कभी कभी आपको इसमें चेंज देखने को मिलता है। अभी जो आपके सामने इंस्क्रिप्शन जो आपकी पिक्चर जो दे रखी है इसमें, ये रोस्टा टाउन के नॉर्थ कोस्ट इजिप्ट की है, ये आपके स्टोन पर बनाई जाती हैं, और इसमें आपका जो है डिफरेंट लैंग्वेज होती है। आपकी इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों शामिल होती है। ये आपकी ग्रीक लैंग्वेज में है। इसमें क्वीन और जो किंग है उसके फेम के बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके की इंस्क्रिप्शन जो होती है आपको देखने को मिलती है। ये चैप्टर आपका यहीं खत्म करते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।